एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जाओ दोस्तों, किस राज्य में कितने हिंदू मुस्लिम आबादी है और बात करेंगे कि किस राज्य में कब होगा अगला विधानसभा चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस या अन्य दल की सरकार है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस राज्य में कितनी हिंदू मुस्लिम आबादी रहती है और चुनाव पर किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं, क्योंकि यहीं से तय हो जाता है कि किसकी बनने जा रही है सरकार। तो आपको पूरे भारत के लिए पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी कि कहां पर किस दल की यहां पर मुख्यमंत्री हैं और किस राज्य में कितनी आबादी हिंदू मुस्लिम आबादी है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो यहां पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है और अगर यहां के आंकड़े आपको दिखाएं तो हिंदू यहां पर 28.4% है और मुस्लिम आबादी जो है 68.3% और सिख यहां पर 1.9% आबादी यहां पर सिख की होती है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अगर आपको वर्तमान की मुख्यमंत्री आपको बता दें तो जयराम ठाकुर, ये दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2022 में होगा। यहाँ हिंदू 95.2% है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर 2.2% यहाँ पर है। और अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और त्रिवेंद्र रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2022 में होगा और यहाँ की आबादी अगर देखें तो हिंदू 83% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 14% है और सिख आबादी 2.3% यहाँ पर सिख आबादी है। अगला राज्य पंजाब। यहाँ दोस्तों पंजाब में भी 2022 में चुनाव होंगे और यहाँ पर सरकार है कांग्रेस की और हिंदू आबादी यहाँ पर 38.5% है, सिख यहाँ पर 57.7%, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 1.9% पंजाब के अंदर मुस्लिम आबादी है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और हिंदू यहाँ पर 87.5% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 7% है, सिख यहाँ पर 4.9% आबादी है और 2024 में अगला विधानसभा चुनाव इस राज्य में होगा। राजस्थान के आंकड़े आपको दिखा दें तो राजस्थान में अशोक गहलोत यानी कांग्रेस की सरकार है, अगला विधानसभा चुनाव 2023 में होगा और हिंदू आबादी यहाँ पर 88.5% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 9.1% है, सिख यहाँ पर 1.3% यहाँ पर सिख आबादी है। अगला राज्य गुजरात। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगला विधानसभा चुनाव 2021 में होगा और हिंदू यहां पर 88.6%, मुस्लिम आबादी यहां पर 9.7% है। अगला विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, यहां से विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अगला विधानसभा चुनाव 2022 में होगा। 79.7% यहाँ पर हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर 19.3% आबादी है। अगला राज्य है बिहार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अगला विधानसभा चुनाव 2020 में होने जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड यानी यहां पर बीजेपी और जनता दल की सरकार है और बिहार के लिए हिंदू आबादी 82.7% है और मुस्लिम आबादी यहां पर 16.9% आबादी बिहार के अंदर आती है। अगला राज्य सिक्किम। तो सिक्किम की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है यहाँ पर प्रेम सिंह तारंग और सिक्किम क्रांति मोर्चा की सरकार है यहाँ पर और अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2024 में होगा और हिंदू आबादी यहाँ पर 57.8% है, यहाँ पर बुद्धिज्म जो है 27.4% है और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 9.9% यहाँ पर आबादी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी का यहाँ पर शासन है और एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री है जो कई समय से यहाँ पर सरकार में है और 2011 से है और अगर बात करें तो 2021 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल के लिए हिंदू यहाँ पर 70.5% है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर 27% है और अन्य दल यहाँ पर हैं। अगर झारखंड की बात करें तो हाल ही में चुनाव हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कांग्रेस प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और अगर बात करें तो झारखंड में हिंदू आबादी 67.8% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 14.5% है और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 4.3% यहाँ पर निवास करते हैं। उड़ीसा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2020 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होगा और वर्तमान में नवीन पटनायक के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजू जनता दल की यहाँ पर सरकार है।
हिंदू आबादी यहाँ पर 93.6% है और मुस्लिम आबादी सिर्फ 2.2% है और 2.7% यहाँ पर क्रिश्चियनिटी यहाँ पर निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और अगला विधानसभा चुनाव 2023 में होगा और यहाँ पर 93.3% यहाँ पर हिंदू है, बाकी अन्य यहाँ पर समुदाय निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2023 में होगा। और अगर बात करें तो हिंदू आबादी यहाँ पर 90.9% है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर 6.6% है, बाकी अन्य दल। यहाँ पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में सरकार बदली है और अब उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना की सरकार है और हिंदू आबादी यहाँ पर 79.8%, मुस्लिम आबादी 11.5% है, बुद्धिज्म में यहाँ पर 5.8% यहाँ पर निवास करते हैं। अगला राज्य गोवा, गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदू यहाँ पर 60% और मुस्लिम यहाँ पर 8.3%। तेलंगाना की अगर बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति की यहाँ पर सरकार है और हिंदू यहाँ पर 85.1% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 12.7% और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 1.3% निवास करते हैं। अगला राज्य कर्नाटका, कर्नाटका की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदू आबादी यहाँ पर 84% है और मुस्लिम आबादी 12.9%, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 1.9% है। अगला यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2024 में होगा। अगला राज्य केरला, केरला की अगर बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2021 में होगा और हिंदू आबादी यहाँ पर 74.7% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 26.6%, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 18.4% है। अगर बात करें तमिलनाडु के लिए तो तमिलनाडु के लिए अगर बात करें 2022 में यहाँ पर अगला विधानसभा चुनाव होगा और यहाँ पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेटर यहाँ पर सरकार है, 87.6% है, तो मुस्लिम आबादी यहाँ पर 5.9% है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 6.1% आबादी यहाँ से आती है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2021 में अगला विधानसभा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और हिंदू आबादी यहाँ पर 29% है और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 30% है और बुद्धिज्म यहाँ पर 11%, बाकी अन्य यहाँ पर निवास करते हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की यहाँ पर सरकार है और हिंदू यहाँ पर 8.8% है, मुस्लिम यहाँ पर 2.5% है और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 87.9% निवास करते हैं। अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मणिपुर, मणिपुर के आंकड़े दिखाएं तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और यहाँ पर अगला विधानसभा चुनाव 2022 में होगा और मणिपुर में हिंदू यहाँ पर 41.4% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 8.4% है, तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 41.3% निवास करते हैं, बाकी अन्य। मिजोरम के लिए अगर दिखाएं तो यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2023 में होगा, हिंदू यहाँ पर सिर्फ 2.8% है, तो बुद्धिज्म यहाँ पर 8.5% है, तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 87.2% है। अगर त्रिपुरा के आंकड़े दिखाएं तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगला विधानसभा चुनाव 2023 में होगा और हिंदू यहां पर 83.4% है, तो मुस्लिम आबादी यहां पर 8.6% है, क्रिश्चियनिटी यहां पर 4.4% और बुद्धिज्म में यहां पर 3.4% है। अगर मेघालय के आंकड़े दिखाएं तो मेघालय में वर्तमान के अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर बात करें तो नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं और 2023 में अगला विधानसभा चुनाव होगा, हिंदू यहाँ पर सिर्फ 11.5% है, मुस्लिम आबादी 4.4% है, तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 74.6% है। अगर असम के आंकड़े आपको दिखाएं तो सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2021 में होगा और हिंदू यहाँ पर 61.5% है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर 42% है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 3.7% निवास करते हैं। तो दोस्तों 28 राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री और कितनी आबादी हिंदू मुस्लिम और अन्य यहाँ पर समुदाय की है उसकी जानकारी आपको दी है। जहाँ दोस्तों काफी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको यह जानकारी मिल सके और आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, आने वाले इलेक्शन में किस प्रकार के परिणाम आते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री पद नाम और जो यहाँ पर जनसंख्या उसके आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
तो और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।